नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश दुनिया की खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहली बार भारत आ रहे हैं। वो दो दिवसीय दौरे पर 27 जुलाई को भारत पहुंचेंगे। बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री के इस दो दिवसीय दौरे के दौरान अफगानिस्तान के ताजा हालात, चीन, क्वाड, वैक्सीन और डिप्लोमेसी पर फोकस रहेगा। अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के मामलों के कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री डीन थॉम्पसन ने कहा कि इस दौरान मानव अधिकार और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दे भी उठाए जाएंगे। दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री डीन थॉम्पसन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम मानव अधिकार और लोकतंत्र से जुड़े मसले उठाएंगे। ये ऐसे मुद्दे हैं जहां हमारे बीच मूल्यों की अधिक समानता है। गौरतलब है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने ये पहली बार भारत यात्रा होगी उनकी, और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दो दिवसीय दौरे पर वो पहुंच रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी वो मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि ब्लिंकन 28 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये भी बताया गया है कि ब्लिंकन की यात्रा उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता को जारी रखने और भारत अमेरिका के वैश्विक रणनीतिक और साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर भी है। दवा निर्माता भारत बायोटेक ने शुक्रवार को ब्राजील की दो कंपनियों के साथ अपनी कोविड-19 वैक्सीन बेचने का करार खत्म करने की जानकारी दी है। दक्षिण अमेरिकी देश और भारत बायोटेक के बीच भारत में तैयार कोवैक्सीन के 2 करोड़ डोज आपूर्ति करने का समझौता भी हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पेरिसिका के साथ हुए 32 करोड़ से ज्यादा का सौदा खत्म हो गया है। भारत बायोटेक ने कहा है कि हम पूरी मेहनत से कोवैक्सीन की मंजूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ब्राजीलियन ड्रग नियामक अनविसा के साथ काम जारी रखेंगे। आपको बता दें कि ये फैसला खरीद समझौते में हुए कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप ने ब्राजील की सरकार को खिला दिया था और समझौते में हुए अनियमितता की जांच की सिफारिश भी की गई थी। विवाद बढ़ता देख स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया था कि ब्राजील भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के साथ समझौता स्थगित करेगा। बता दें, पिछले महीने भारत बायोटेक ने बढ़ते विवाद के बीच अपनी तरफ से किसी तरह की अनियमितता से इनकार भी किया था। कई बार कुछ एडवेंचर लोगों की जान पर बनाते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला
सैन्य कर्मियों ने 10 अलग अलग खतरे वाले क्षेत्रों में काम भी किया। साथ ही आवश्यक सामान की आपूर्ति के लिए शहर में दान केंद्र भी बनाए गए हैं। अमेरिका ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उन्हें नई दिल्ली में किसानों के विरोध के मद्देनजर अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के साथ साथ प्रमुख क्षेत्रों, भीड़ और प्रदर्शनों से बचने की सलाह दी गई है। दरअसल किसान यूनियन ने कहा था कि संसद के मौजूद मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर एक किसान संसद का आयोजन करेंगे और 22 जुलाई से इसको हर दिन सिंगू बॉर्डर से 200 प्रदर्शनकारी वहां पहुंचेंगे। किसान संगठन तीनों कानूनों को करने और एमएसपी पर कानून की गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। दूतावास ने जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिकी दूतावास 21 और 22 जुलाई को किसानों की ओर से नई दिल्ली और उसके आसपास संभावित प्रदर्शनों की खबरों से अवगत हैं। पहले ही इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में हिंसा हुई है और इसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली और उसके आसपास अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ लगी सीमा पर आतंकवादियों को पनाह न देने में पाकिस्तान के उसके साथ साझा हित हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ उन तरीकों पर बातचीत की है जिससे सीमा को सुरक्षित बनाने में मदद मिल सके, साथ ही अफगानिस्तान के लिए ज्यादा स्थिर और सुरक्षित भविष्य में योगदान भी मिल सकता है। अमेरिका और पश्चिमी सेनाओं के 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से लौटने के मद्देनजर तालिबान आतंकवादियों ने हाल ही के हफ्तों में दर्जनों जिलों और प्रमुख सीमा चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर लिया है। किर्बी ने कहा कि पाकिस्तानियों को हमारे संदेश हैं और हमें लगता है कि पनाह न देने में साझा हित है और हम पाकिस्तान से उन तरीकों पर बातचीत भी करते रहेंगे जिससे हम वहां सुधार देख सकें। उन्होंने कहा लेकिन पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे इस पर उन्हें बात करनी चाहिए न कि हमें। रूस ने तालिबान के संभावित खतरों को रोकने के लिए तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य उपकरण भेजे हैं, जबकि तजाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। उत्तरी अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तजाकिस्तान पहले ही अपनी सीमा पर 20,000 सैनिकों की तैनाती बढ़ा चुका है। वहीं तजाकिस्तान अफगान सीमा को लेकर काफी सतर्क भी है, जबकि उज़्बेकिस्तान और रूस अगले कुछ दिनों में तजाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान से लगी सीमा पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही तजाकिस्तान ने सैन्य अभ्यास भी किया है। साथ ही अफगानिस्तान के उत्तरी पड़ोसी तजाकिस्तान ने गुरुवार को मध्य एशियाई देश की पूरी सेना को शामिल करते हुए अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया और राष्ट्रपति ने अपनी सेना को सतर्कता बरतने का आदेश भी दिया। अफगानिस्तान से 20 सालों के बाद अमेरिकी सैनिकों के जाने की वजह से तालिबान का दबदबा बढ़ता जा रहा है। तालिबानी आतंकियों का दावा है कि 90% अफगानिस्तान के हिस्से पर उनके लड़ाकों का कब्जा हो गया है। अफगान सेना लगातार अपने इलाकों को तालिबानियों के चुंगुल से छुड़ाने का प्रयास कर रही है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने तालिबान पर पिछले कुछ दिनों में हमले तेज कर दिए हैं। अफगान फोर्सेस का दावा है कि उनसे कंधार के पास 36 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है। अफगानिस्तान से चल रहे खूनी संघर्ष के बीच तालिबान भी कई तरह के दावे कर रहा है। हाल ही में तालिबान ने कहा था कि उसने देश के उत्तरी हिस्से के गाजियाबाद जिले में पुलिस मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही 80 अफगानिस्तान के सुरक्षा बल तालिबान में शामिल भी हो गए हैं। वहीं तालिबान ने गाजियाबाद जिले में अफगान बलों के पास से बरामद किए गए हथियार और गोला बारूदों की तस्वीरें भी जारी की थी।
2022 के यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच किसी गठबंधन की संभावनाओं को एआईएमआईएम ने खारिज कर दिया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने के हवाले से ऐसी खबर आई थी कि अगर एसपी किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने को राजी होती है तो ओवैसी अखिलेश यादव के दल से गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि रविवार को पार्टी की तरफ से इन सभी खबरों को खारिज कर दिया गया है। साल 2022 के चुनावों में यूपी में ताल ठोक रहे ओवैसी ने हाल ही में प्रदेश के कई इलाकों का दौरा किया था। ऐसा माना जा रहा था कि ओवैसी या तो ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाले संयुक्त भागीदारी मोर्चा का हिस्सा होंगे या फिर एसपी या फिर बीएसपी जैसे दल से गठबंधन करेंगे। ये खबर हाल ही में सामने आई थी कि ओवैसी की ओर से अखिलेश यादव के सामने ये शर्त रखी गई थी कि अगर उनका दल किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री बनाएगा तो एआईएमआईएम और एसपी का गठबंधन हो सकता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमला किया गया। विधायक का काफिला बंगाली चौक संजय पार्क से गुजर रहा था, तभी विधायक की गाड़ी के ठीक पीछे चल रही कार को कुछ युवकों ने रोका। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और इससे कार की विंडशील्ड टूट गई। ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद विधायक के सुरक्षा कर्मियों से बदसलूकी और मारपीट भी की गई। वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले में कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। बता दें विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमले की खबर ने पुलिस महकमे के खोश उड़ा दिए हैं। जानकारी मिलते ही जिले के एसपी अमित कांबले मौके पर पहुंचे और विधायक ने दिखाया कि उनके काफिले में चल रही गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं। वहीं पत्थर से हमला किया गया है और उनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों और कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। वहीं एसपी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं कोतवाली थाने के जाकर रात के समय ही विधायक ने एफआईआर भी दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ के पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार का 23 जुलाई को जन्मदिन था। जन्मदिन उनके रायपुर स्थित सरकारी आवास में मनाया गया। बता दें रायपुर और आसपास के इलाके से कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी तादाद में वहां पर आयोजन में शामिल हुए थे। बंगले में काफी भीड़ भी नजर आ रही थी और वहां ना तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही किसी ने मास्क लगा रखा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद लगातार इस बात की अपील जनता से करते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें, लेकिन मंत्री जी के बंगले पर शायद कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और ये उचित भी नहीं समझा गया। एक मंच सजा था जिस पर बड़ा सा बता दे केक भी रखा गया था और इस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे बॉस, बॉस यानी मंत्री गुरु रुद्र कुमार। साथ ही समर्थकों ने मंत्री जी की एंट्री का जबरदस्त इंतजाम भी किया था। जैसे ही मंत्री जी वहां पहुंचे जबरदस्त नारेबाजी की गई और एक किनारे पर रखे केक को मंत्री जी तलवार से काटते हुए भी नजर आए। दिन भर चले कार्यक्रम में मंत्री जी ने दर्जनों केक काटे और हाथों में तलवार लेकर मंत्री की कई तस्वीरें भी उन्होंने खिंचवाई जो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया है कि ग्राम पंचायतों की सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दिया गया। कांग्रेस ऐसे कार्यकर्ता जो कृषि प्रोडक्ट की दुकान चलाते हैं उन्हें खाद पहुंचाया गया था, लेकिन अब बाजार में खाद की किल्लत है और दुकानदारों से किसान महंगे दामों पर खाद खरीद रहा है। पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसे हालात हैं कि किसान खाद के लिए भटक रहा है। साथ ही बीजेपी कार्यालय में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 90% से ज्यादा आबादी किसानों की है और उसे सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। प्राइवेट एजेंसी से महंगी कीमत पर खाद खरीदने के लिए किसान को मजबूर किया जा रहा है। वहीं नकली और अमानक बीज भी दिए जा रहे हैं। समर्थन मूल्य का पैसा बीजेपी शासन के वक्त खाते में फौरन पहुंचता था, लेकिन अब सरकार किश्तों में धान का पैसा देकर किसानों को परेशान कर रही है।
भारत के सबसे रईस व्यक्ति और उद्योगपति मुकेश अंबानी का कहना है कि आर्थिक सुधारों के 3 दशकों में देश ने कई मामलों में बहुत प्रगति की है, लेकिन सभी नागरिकों को इसका लाभ नहीं मिल सका है। एक अखबार के कॉलम में अंबानी ने लिखा कि उदारीकरण के 30 सालों के भीतर भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना पड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि हम अभावों की अर्थव्यवस्था से आज सुलभता की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था को सभी के लिए समृद्धि लाने वाला बनाना होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई कि साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के समकक्ष खड़ी होगी। अंबानी ने लिखा कि 1991 में भारत को वह हिम्मत और दूरदर्शिता दी जिसने अर्थव्यवस्था की दिशा और निर्धारक तत्व तय किए। सरकार ने निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में निर्णायक भी भूमिका भी दी जो उसके पूर्ववर्ती 20 सालों तक सार्वजनिक क्षेत्र की थी। लाइसेंस और कोटा राज खत्म हुआ। कारोबार और उद्योगों के लिए उदार और मुक्त पूंजी बाजार की नीतियां भी लाई गई। वित्तीय उदारीकरण से भारतीयों की उद्यमिता ने प्रगति को तेजी और ऊर्जा भी दी। साथ ही आबादी 3 दशक में भले ही 88 करोड़ से 138 करोड़ पहुंच गई हो, पर हमने गरीबी आधी कर दी और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बने। हमारे हाईवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह आज विश्व स्तर पर बने हुए हैं। दो दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन गए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ब्रिटेन के विदेशी अधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि मुंबई, दिल्ली जैसे कई बड़े शहरों व्यवहारिक रूप से कोविड से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। भारत में कोरोना के बेहतर हालात के बाद कई देशों की तरफ से दरअसल भारतीयों को लेकर यात्रा संबंधित छूट मिलने लगी है। इस बीच भारत ने ब्रिटेन से भी अपील की है कि वो भारतीयों को लेकर जारी यात्रा प्रतिबंधों पर विचार करे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारत से आने वाले आगंतुकों पर यात्रा प्रतिबंध की समीक्षा करने पर भी विचार करने की अपील की गई। साथ ही विदेश सचिव ब्रिटेन भारत करीबी संबंधों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के बीच रोडमैप 2030 पर सहमति का जायजा लेने शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे थे। विदेश सचिव हर्षवर्धन ने कहा कि मुंबई और दिल्ली जैसे महानगर व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं, लेकिन हम ऐसी हालत में भी आराम से ही बैठ सकते क्योंकि हालात लगातार बदल रहे हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक बता दें, विदेश सचिव ने कहा कि हम अपने नागरिकों से लगातार अपील भी कर रहे हैं कि वो सभी तरह के एहतियात बरतें ताकि हमें तीसरी लहर का सामना न करना पड़े। श्रृंगला ने फ्रांस का उदाहरण भी दिया जिससे हाल ही में कोविशील्ड को एक वैध वैक्सीन का दर्जा भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने ब्रिटिश अधिकारियों को भारत में कोविड के हालात के बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया कि फ्रांस ने हाल ही में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके भारतीय यात्रियों को बिना क्वारंटीन यात्रा के इजाजत दे दी है। वहीं अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को भारत की यात्रा करने की छूट दे दी है। ऐसे में ब्रिटेन को भी ऐसा करना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया था कि 25 जुलाई को अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश का पालन करेंगे। इस बीच उनके उच्च उत्तराधिकारी के तौर पर केंद्रीय कोयला, खनन और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और प्रदेश सरकार में खनन मंत्री और उद्योगपति एमआर निरानी का नाम आगे चल रहा है। हालांकि जोशी ने कहा है कि उनसे इस बारे में अभी तक शीर्ष नेतृत्व ने कोई भी बात नहीं की है, जबकि निरानी का भी यही कहना है कि पार्टी जो भी आदेश देगी वो उसका पालन करेंगे। बता दें 2004 से लगातार धारवाड़ से सांसद जोशी ने कहा कि येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी बनने के बारे में उनसे किसी ने भी बात नहीं की है। ये केवल मीडिया ही है जो इस बात की चर्चा कर रही है। ऐसे में इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। सीएम बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि वो कभी भी अगर मगर या काल्पनिक सवालों के जवाब नहीं देते और ऐसे सवालों के जवाब देना भी नहीं चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे भी अनजान है वो कि किसी ने येदियुरप्पा को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम पद के बारे में कोई भी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। साथ ही बता दें येदियुरप्पा को हटाए जाने पर लिंगायत समुदाय के संतों की धमकी पर भी
कोई टिप्पणी करने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। वो जुलाई 2012 से जनवरी 2016 तक कर्नाटक प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। बता दें हालांकि फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। आज ही सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सुरक्षा बलों के घेरे में आतंकियों के घिरे होने की सूचना थी। कहा जा रहा था कि सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को घेर लिया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस ऑपरेशन में पुलिस और सुरक्षा बल के एक जवान शामिल है। वहीं एक आतंकी को मार गिराया है जिसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। वहीं ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले बीते शनिवार सुबह भी सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा में दो आतंकियों को मार गिराया था। इसमें सुरक्षा बल के तीन जवान भी घायल हुए थे। वहीं सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने का पहले इनपुट मिला था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और आतंकियों को घेर लिया गया था। वहीं सुरक्षा बल जब संदिग्ध जगह पर पहुंचे थे तो आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी दो आतंकियों को फायरिंग कर मार गिराया। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए आतंकरोधी इकाई के अपने 15,000 सैनिकों को एलएसी पर तैनात कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में जुटी अपनी इकाइयों को कुछ महीने पहले ही तैनात किया है। इससे पहले उत्तरी सीमाओं पर संचालन संबंधी अन्य गतिविधियों में सेना को मदद भी मिली है। शुगर सेक्टर में तैनात रिजर्व फॉर्मेशन के जवान ऊंचे पर्वतों पर युद्ध के लिए प्रशिक्षित हैं और इस साल लद्दाख के ठंडे इलाकों में युद्ध के खेल में हिस्सा लेते हैं। दरअसल अग्रिम मोर्चे के लिए नई सैन्य इकाई के गठन के बाद जो कमी पैदा हुई थी, सेना ने उसे अपने पास उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए भर दिया है। भारत ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में लगभग 50,000 सैनिकों को तैनात किया है और वहां उसकी ताकत दुगनी से ज्यादा बड़ी है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए लेह ने 14 कोर के पास अब दो डिवीजन तैनात हैं, जो कारू से 3 डिवीजन सहित एलएसी की निगरानी कर रहे हैं। वहीं पिछले साल अप्रैल मई से चीनी सैनिकों ने क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और कई स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश भी लगातार की जा रही है। इसके बाद ही वहां चीन के बराबर ही भारी संख्या में भारतीय सैनिकों की तैनाती की गई है। भले ही पेंगोंग झील के दोनों किनारों से सैनिकों की आंशिक वापसी हुई है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है क्योंकि चीन गोगरा हाइट्स हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में तनाव वाले स्थानों में पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देशों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत भी की, लेकिन अब तक कोई खास सफलता नहीं मिल सकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।